हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आइए देखते हैं कि आज की एनर्जी किस तरह की होगी, आपकी एनर्जी किस तरह की होगी, आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की होगी। वेलकम टू सोलफुल जर्नी। लेट्स सी किस तरह की एनर्जी आज रहने वाली है, आपकी एनर्जी किस तरह की होगी, आपके पार्टनर की एनर्जी आज किस तरह की रहने वाली है। लेट्स सी दैट किस तरह की एनर्जी होगी आप दोनों की आज। सो पहले मैं आपकी एनर्जी पिक करूंगी। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है यहां पर, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड एस ऑफ विंड का कार्ड है। सो आज के दिन पर इमोशनल आप बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आज आप के पास बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज होंगे, लेकिन उन आइडियाज को रिफाइन करके ही आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आज के दिन पर आप बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन फेथ और पॉजिटिविटी के साथ हर एक चीज वर्कआउट करेगी। आपको अगर किसी से कोई भी बात कहनी है तो क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा, और अपनी लाइफ को लेकर आज के दिन पर आपको फोकस रहने की जरूरत है, जिसमें थोड़ी सी कमी आज रहेगी। उसका रीजन ये है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आज हावी होती हुई नजर आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ डिले आपको देखने के लिए मिलेगा। आज कोई गुड न्यूज आपको अदर टर्म्स में मिल सकती है, आपके पास कोई रीजन हो सकता है सेलिब्रेट करने का, आपकी कोई विश आज के दिन पर पूरी हो सकती है, आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन उस टर्म्स में भी आज मिलती हुई नजर आ रही है। आज आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे, आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, आपका दिल होगा कि आप अपने पार्टनर को अपनी बातें कहें, लेकिन कहीं ना कहीं आज डर की एनर्जी भी नजर आ रही है। आपको ऐसा लगेगा कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जीवन के ऊपर हावी होती हुई नजर आएगी आपको, और उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। नेगेटिव मत सोचिएगा, अदरवाइज नेगेटिव ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट आप कर बैठेंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ही जल्दी कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आज दस्तक देगा, मींस इट विल बी अराउंड 2, 2, 4 और 6, ठीक है। इस टाइम पर आपकी लाइफ के अंदर कोई नया पार्टनर दस्तक दे सकता है, बिकॉज पार्टनर के साथ आप नहीं हैं तो सिंगल ही हुए, तो हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आए। आपको ये महसूस होगा कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की कहीं ना कहीं कमी हो रही है, ठीक है। अपने पार्टनर के बारे में सोचकर आप बहुत खुश होंगे, ठीक है। अपने पार्टनर की किसी चीज को बहुत ज्यादा आज आप निहारते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज आपको चॉइसेस बनाने में उतनी क्लैरिटी नहीं होगी, आप अपनी सिचुएशन को बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपकी एक डिजायर होगी कि आपको अब अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को ठीक करना है, लेकिन क्लैरिटी ना होने की वजह से ऐसा आप शायद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो डरना नहीं है, अपनी एनर्जीज को नेगेटिविटी की ओर नहीं लेकर जाना है, पॉजिटिव सोचिए। अगर थॉट्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो मेडिटेट कीजिए। सो अब हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। यहाँ पर सिक्स ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ विंड का कार्ड है। आज आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये बात नजर आ रही है कि उनकी लाइफ के अंदर कोई सिचुएशन एंड होने वाली है, या वो किसी सिचुएशन को एंड करने वाले हैं। आपके पार्टनर को किसी सिचुएशन से रिलीफ मिलने वाला है। आपके पार्टनर सैड भी होंगे, हैप्पी भी होंगे, वो अपनी न्यू हैप्पीनेस की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर जो मेलोड्रामा चल रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। अब ये रिलेशनशिप की टर्म्स में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन की टर्म्स में है, ये तो डिटेल एनर्जी में ज्यादा पता लगेगा, लेकिन
आज आपके पार्टनर की जिंदगी में कोई सिचुएशन खत्म होने वाली है, ठीक है। आपके पार्टनर विक्टोरियस होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर को सक्सेस की एनर्जीज में आज जाता हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर के आसपास के लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे, उनके ड्रीम्स को पूरा करने में उन्हें सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर आज ब्राइटर फेस की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जीवन का जो भी अंधकार है वो अंधकार की स्थिति खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर आज बहुत केयरफ्री रहने वाले हैं, उनके जीवन का जो भी अंधकार है वो आज छटने वाला है। आपके पार्टनर आज यूनिडायरेक्शनल होकर, इंडिपेंडेंट होकर एक नई डायरेक्शन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो आज उन्हें महसूस होगा। आपके पार्टनर अपने करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में आज बैलेंस बनाने की कोशिश करने वाले हैं। आपके पार्टनर आज अपनी लाइफ के अंदर क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने करियर के अंदर उन्हें कोई हैप्पी न्यूज मिलने वाली है। आपके पार्टनर किसी चीज के ऊपर रिसर्च करते हुए आज नजर आ रहे हैं। सो आई होप आपको उनकी एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। हैव अ ग्रेट डे टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।